निकाला, तोड़ने यो पानी है, हमारी मांगे पूरी हो। तो भी एक प्रादेशिक सम्मेलन हमारा हुआ है मेरठ में, उसमें अधिवक्ताओं ने सारे यूपी के वो है, दूसरी बात सुरक्षा व्यवस्था जो अधिवक्ताओं की नहीं है बिल्कुल सुनी पर चली गई है, तीसरी चीज ये है कि अधिवक्ताओं की गई है। एक बात और कहने की बात है, 18 अक्टूबर को मेरठ में हुई अधिवक्ताओं की बैठक के बाद आज सीतापुर के अधिवक्ताओं ने नो वर्क किया है और जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा है। क्यों सौंपा है, हमारे साथ बातचीत करने के अधिवक्ता मौजूद हैं। आज आप लोग किस लिए सड़कों पर उतर के यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं? ये हम लोगों का एक प्रादेशिक सम्मेलन जो मेरठ में हुआ था अभी दिनांक 18/10/2024 को, उसमें प्रदेश भर के लगभग 60 बार एसोसिएशन के पदाधिकारी वहाँ शामिल हुए थे और शाम तक वहाँ मीटिंग हुई, उसके बाद जो पास हुआ उसमें तमाम बिंदु हैं। अधिवक्ताओं की पुरानी मांग जिससे चल रही है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, वो अभी तक लागू नहीं हुआ, इस संबंध में एक ये मांग वहाँ पे पास हुई है। दूसरा जो अधिवक्ता और जजों के बीच में अंतर जो हो गया है, वो जो मतलब अधिवक्ताओं को बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं, गैपिंग जो चल रही है, इस संबंध में भी चर्चा हुई। और तीसरा जो है, हम लोगों को उचित स्थान बैठने हैं, टीन सेट की व्यवस्था और जो चैम्बर्स वगैरह हैं, इस संबंध में चर्चा हुई है। यही ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को जिला अधिकारी के माध्यम से आज भेजा गया है। लगातार आप देखते हैं कि सड़कों पर आप उतर आते हैं, ज्ञापन देते हैं और सुरक्षा की बात जो है हमेशा लगी रहती है, प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा मांग रहती है। देखिए, अधिवक्ता समाज का प्रहरी है, उसको तो समाज के प्रति आंदोलन करने पड़ते हैं और ये स्वयं का उसका मामला है। अधिवक्ताओं की बहुत ही अनदेखी हो रही है, इधर विगत कुछ वर्षों से तो बिल्कुल अधिवक्ताओं का सरकार भी कुछ ख्याल नहीं कर रही और बार काउंसिल हमारे उत्तर प्रदेश जो संस्था है मात संस्था, वो भी अपने दायित्व से कहीं दूर भटक गई है। तो प्रोटेक्शन एक्ट जो बिल आपका है वो लागू नहीं किया जा रहा है? वो संभवतः हम लोग मांग कर रहे हैं, प्रयास रहेगा, हम लोग आंदोलित रहेंगे जब तक लागू नहीं होगा। जब तक लागू नहीं होगा अस्थि जी, तब तक आंदोलन करते रहेंगे। एक्चुअली उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत वर्ष मेरठ में जब अधिवक्ताओं का आंदोलन हुआ और पूरे प्रदेश का हुआ था, तब सरकार ने वादा किया था और एक घोषणा की थी कि हम बहुत शीघ्र लागू करेंगे। अन्य कई राज्यों में झारखंड राजस्थान राज्यों में लागू हो चुका है। आए दिन अधिवक्ताओं प्रति हमला होते हैं और सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो किसी पक्ष के साथ कोर्ट में खड़े नजर आते हैं, तो आज ऐसी ये भी कारण बनते हैं। आज का जो ये मांग पत्र है, हमको हम अपनी मांग को दोहराते हैं और फिर सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र इसको लागू किया जाए, जो सरकार के पास विचाराधीन है प्रस्तावित है उस पर कार्यवाही शीघ्र की जाए, हमको जल्दी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी कई राज्यों ने झारखंड की सरकार ने 10,000 रुपये मासिक नया अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड दिया है और पेंशन की व्यवस्था की है, बीमा सामूहिक किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है? आज अधिवक्ता बिना किसी संसाधनों के न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है और वो सदैव चल रहा है, लेकिन आज संसाधनों का अभाव, एक तरफ न्यायपालिका को बहुत ही सुविधा संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है, दूसरी तरफ वकीलों को जो पेड़ के नीचे बरसात में जाड़े में खुले में बैठते हैं उनसे बराबर काम की अपेक्षा जो की जा रही है वो गलत है। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका, चूँकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसकी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी देश के प्रदेश प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, न्यायपालिका तो न्याय विभाग संभाले अपना, लेकिन वो इस तरह से दखल दे रही है, वो हमारी परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके हमसे अनवरत लगातार काम चाहती है जो कि बिजली पानी आवास और चैम्बर्स के अभाव में संभव नहीं है। ये इस पीड़ा को पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की पीड़ा को आज हम सब पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संगठित होकर सरकार और न्यायपालिका तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज क्या नोवर किया और किसको ज्ञापन? नोवर किया है और माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अभी अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को हमने सौंपा है। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अवस्थी। आप लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज किस लिए आए थे? आज हमारी सबसे मेन मांग है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि अभी मेरठ में भी महिला अधिवक्ता का एक मर्डर हुआ था जिसमें हमारी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग किया था कि हमें न्याय दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं समझती कोई संतुष्टिपूर्ण न्याय हम लोग को मिला। और दूसरी चीज़ है जो हम लोग के इस समय तीन सेट वगैरह जो हम लोग मैंने देखा है मेरठ है, यहाँ तक कि लखीमपुर जो मेरे पास का ज़िला है वहाँ पर भी हमारे अधिवक्ताओं के जो है बहुत अच्छे से चैम्बर बने हुए हैं, लेकिन सीतापुर में हमारा, जबकि अब सीतापुर डेवलप स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रहा है, फिर भी हमारे यहाँ के अधिवक्ताओं के कोई भी चैम्बर अभी नहीं बना है, मेन चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब जज जो हैं उन्होंने हम पर जो है एक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं बहुत सारे कि हम कोई हड़ताल नहीं कर सकते, हम किसी के
उसमें अगर हमारे किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाएगी तो हम उसमें शामिल नहीं हो सकते, कॉन्डोलेंस नहीं कर सकते। तो इस सब चीज़ों के लिए हमने जो माननीय जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन सौंपा है, हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय हो और हम लोग को इन सब मांगों को पूरा किया जाए। क्या खुले में बैठने के लिए जो आप लोग खुले में बैठे हैं वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मच्छरों की भरमार देखिए कितनी है यहाँ पे, गंदगी बहुत है यहाँ पे, बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है और बाकी काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, डेंगू मलेरिया फैल रहा है, अधिवक्ता जो है परेशान है, भर्ती हो रहा है, कामकाज बाधित हो रहा है, इससे जो कभी किसी का ध्यान सरकार का इस तरफ जाता ही नहीं है। न्यायपालिका को अवगत कराया जाए तो आकर के फांगिंग कर जाती, उससे जो है कोई जो है मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा पता नहीं क्या वो घोल करके छिड़काव कर जाते हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और तमाम अधिवक्ता जिन्होंने लाल बाग अपने जो चैम्बर कचहरी चैम्बर है वहाँ से नोवर करके पूरे जुलूस निकाल करके पैदल मार्च करके जिला अधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी को दिया है, जहाँ पर उनकी मांगे हैं कि उनके जो प्रोटेक्शन एक्ट है और खुले में अधिवक्ताओं को रहना पड़ रहा है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं, तो तमाम ऐसी समस्याएँ जो अधिवक्ताओं के साथ गुजर रही हैं और इसी के चलते अधिवक्ताओं ने आज ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग, शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का, देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।